सियासी उलटफेर कर सकते हैं। पार्टी विधायक दल का नेता बदलने की तैयारियां चल रही हैं। छह विधायक जो हैं पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। चार विधायक बीजेपी और दो कांग्रेस से संपर्क में है और विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में ये जो नेता जो है वो दे सकते हैं और विधायक दल का नेता बदलने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घमासान मचा हुआ है और बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। बीजेपी के बागी विधायक जो है वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता बदलना चाहते हैं और उसी की तैयारियां कर रहे हैं। छह विधायक जो है वो दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? छह विधायक नाराज है जेजेपी के अपनी ही पार्टी से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। छह विधायक जो हैं जननायक जनता पार्टी के वो पार्टी से नाराज हैं और उसमें से चार विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो वहीं दो विधायक रामकरण खाड़ा और ईश्वर सिंह वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो अब जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और आ भी गई है, लेकिन उसके दौरान जिस तरह से लेटर लिखे जा रहे हैं, राज्यपाल को लेटर लिखे जा रहे हैं, इनेलो ने लिखा है, जेजेपी ने लिखा है, वहीं कांग्रेस भी आज मिलने का समय मांगा है। तो उसी बीच में जो ये छह विधायक हैं, ये देवेंद्र बबली भी लगातार ये कह चुके हैं कि वो पार्टी भी तो अगर तोड़ दी तो सात विधायक इकट्ठा हो गए तो फिर पार्टी ही नहीं रहेगी, तो दुष्यंत चौटाला किसके ऊपर विहिप जारी करेंगे। तो उसी संदर्भ के अंदर अगर उसके लिए सात विधायक चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, लेकिन छह विधायक चाहिए जो विधायक दल का नेता बदलने के लिए, और छह विधायक अभी उनके खिलाफ है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि छह विधायक अगर अपना विधायक दल का नेता बदल देते हैं तो दुष्यंत चौटाला विधायक दल के नेता नहीं रहेंगे और फिर उसके बाद जो फैसले लेने हैं वो विधायक दल का नेता लेता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कब तक सिरे चढ़ती है और ये कब तक लिख करके देते हैं, क्योंकि इनको छह विधायकों को साइन करके और विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके देना है। अगर ये विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके देते हैं तो फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है कि वो विधायक दल का नेता इनका बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, आप बने रहिए अंकित हमारे साथ। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जो विधायक दल का नेता है वो जेजेपी के विधायक यहाँ पर बदलना चाहते हैं और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में दे सकते हैं। दुष्यंत चौटाला से नाराज जो है वो छह विधायक चल रहे हैं, चार विधायक बीजेपी और दो विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। रुख अगली बड़ी खबर का करते हैं और आपको बताते हैं कि राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद। बीबी बत्रा समेत कई नेता आज मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं आफताब अहमद। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, आज के लिए समय मांगा है, लेकिन अभी तक वक्त जो है वो तय नहीं हुआ है। राज्यपाल से मुलाकात कर जो है ये एक मांग पत्र सौंपेंगे और सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। तो आफताब अहमद और बीपी बत्रा समेत कई नेता जो हैं वो मुलाकात करेंगे और बड़े उलटफेर की संभावना जो है वो हरियाणा की राजनीति में बनी हुई है। अभी तक वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन आज का वक्त जो है वो कांग्रेस की तरफ से मांगा गया है। तीन निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान जो है उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया, उसके बाद ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज का वक्त तो मांगा है लेकिन तय जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक जो हैं उन्होंने वक्त मांगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं आ रहे हैं, जो उपनेता हैं आफताब अहमद
उन्होंने समय मांगा है। आफताब अहमद और बीबी बत्रा हैं, उनके साथ कुछ और लोग रहेंगे, लेकिन अभी राजभवन की ओर से टाइम कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गवर्नर साहब जो हैं वो कहीं इलाज करा रहे हैं, तो हो सकता है कि दोपहर के बाद वो उनका टाइम कंफर्म हो जाएगा और वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और मुलाकात करने के बाद वो यही मांग रखेंगे कि सरकार एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूव करे, और प्रूव करें तो इसलिए ये मांग लेकर के वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं, और अगर सरकार कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती है तो सरकार को बर्खास्त किया जाए, तो ये मांग वो रखने वाले हैं, इस मांग को लेकर के वो मिलने वाले हैं। और लेकिन ये क्योंकि कानूनी और एक संवैधानिक रूप से पेश है कि अभी जब नई सरकार बनी थी और नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मोशन रखा था और उसको प्रूव किया था, तो उसके 6 महीने तक जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ नहीं आ सकता। लेकिन गवर्नर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नर चाहे तो सरकार को कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने के लिए, तो वही मांग जो है कांग्रेस की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी खतरा अभी सरकार के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेजेपी कह तो रही है कि वो बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन जेजेपी के विधायक भी एकजुट नहीं है, जैसा मैंने कहा पहले कि 6 विधायक जो है वो उनके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी खिचड़ी बनी हुई है, और उसमें खिचड़ी के अंदर सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और जो 3 विधायक जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, उन्होंने भी विथड्रॉ करने का जो लेटर है वो मीडिया के अंदर जरूर वायरल हुआ है कि उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल के पास भी अभी तक वो लेटर नहीं पहुंचा है। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे, आज का वक्त मांगा है, लेकिन तय अभी तक कुछ भी नहीं है, तो देखना ये होगा कि कब तक कांग्रेस को वक्त दिया जाता है और वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। रुख अगली बड़ी खबर का करेंगे, जेजेपी के विधायकों के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुप्त बैठक की है, महिपाल ढांडा के घर पर ये बैठक हुई है। विधायकों से संपर्क पर राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारा संपर्क हर किसी के साथ होता है, भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के साथ भी हमारा संपर्क है, और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है और उसके पैसे नहीं लगते हैं। आपके संपर्क नहीं, देखिए संपर्क तो सभी के साथ होता है, संपर्क की क्या बात है, संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ भी मेरा संपर्क है। संपर्क में क्या हुआ, संपर्क तो सबके साथ होता ही है, मगर जो लोग ये सपने देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं कि वे सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते। कांग्रेस तो इतनी उतावली हो रही है, कुछ को तो ये लग रहा है कि कल ही राजपाट तुम्हारे हाथ में आ गया और तुम लोग तो बस मुख्यमंत्री बने बैठे हो। ये तो भूख है ना, ये इनकी मर नहीं रही है। पिछले 10 साल जब इनका राज रहा तो जो लूट खसोट इन्होंने मचाई थी, जो गरीब आदमी के साथ इन्होंने छल किया, कपट किया, धोखा दिया, आदमी भूलता थोड़ी नहीं है। इसके भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में, देखिए संपर्क तो सभी के साथ होता है, संपर्क की क्या बात है, संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ। तो महिपाल ढांडा का आपने पूरा बयान सुना, हालांकि जेजेपी की जो मुश्किलें हैं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उनके विधायकों में जो है दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी है। अब रुख करेंगे अगली खबर का, न्यूज 18 पर कुमारी सैलजा ने खास बातचीत की है, उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के नामांकन न आने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी के नामांकन में नहीं गई हूँ। वही चुनाव प्रचार में भी हुड्डा और उदयभान की जो है वो दूरियां दिखी हैं, और इसके जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो आना चाहेगा वो आएगा, पार्टी में ड्यूटियां लगाई हुई है इसीलिए लोकसभा चुनाव लड़ने आई हूं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले अंबाला से लड़ी, अंबाला में वहां 2 बार सांसद रही और यहां भी आप रहे थे।